तो अगर आप लेट 90s या फिर अर्ली 2000 में पैदा हुए थे तो IGI का नाम तो जरूर सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना तो उनको बता दूं कि ये वही गेम है जिसने आज के गेमर्स को स्टेल्थ से इंट्रोड्यूस करवाया, जहां हमारा करेक्टर वैसे तो वन मैन आर्मी भी बन सकता है, बट इस गेम का असली मजा तब आता है जब हम दुश्मन की नाक के नीचे से अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करके स्वैग से बाहर निकले। ये फ्रेंचाइज तो वैसे 2003 में IGI 2 के साथ खत्म हो गई थी, बट 16 साल बाद जब 2019 में IGI का थर्ड टाइटल का अनाउंसमेंट मिला, तब से सारे फैंस में वही पुराना क्रेज वापस आ गया है और आज बहुत सारे लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेम्स गॉसिप इंडिया, और आज की वीडियो में हम IGI ओरिजिन्स की ही बात करने वाले हैं, जिसमें आपको सब कुछ बताऊंगा इसके डेवलपमेंट से लेकर इसकी रिलीज डेट तक। सो लेट्स बिगिन। तो ये गेम बेसिकली प्रोजेक्ट IGI का प्रीक्वल होने वाला है। इसमें हम 1980s के पीरियड को देखेंगे जब US और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, जहां दोनों के पास डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स थे और वर्ल्ड को डर था कि कब कौन किस पर हमला कर दे और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दे। IGI 1 में हमने 90s का टाइम पीरियड देखा था, बट अगेंस्ट रशियन माफिया। गेम डायरेक्टर रिच बहरम ने कन्फर्म किया है कि ओरिजिन्स का सिर्फ फर्स्ट मिशन 1979 ईयर में बेस्ड होने वाला है, बट बाकी पार्ट सारी 80s की कहानी होगी। स्टोरी लाइन की बात करें तो ये एस्पियोनाज पर बेस्ड है, जहां हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्पाई होता है और इसे मिशन दिए जाते हैं दुश्मन के कैंप्स और बेसिस में इन्फिल्ट्रेट या फिर घुसपैठ करने के लिए, जो किसी हाई वैल्यू टारगेट को मारने के लिए हो सकता है या इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या कुछ और सेंसिटिव ऑपरेशंस। प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों को थोड़ी निराश कर सकती है, क्योंकि इस गेम में हमारा बिलव्ड कमांडो डेविड जोन्स नहीं आने वाला, बल्कि उसकी जगह माइकल किंग, जिसका कोड नेम ब्रिजेंट है, उसे फीचर किया जाएगा एज प्राइमरी कैरेक्टर। डिफरेंस की बात करें दोनों करेक्टर्स के बीच, तो जोन्स एक SAS कमांडो था जो UK की स्पेशल फोर्सेज है, और वही रीजेंट एक MI6 का ऑपरेटिव है जो UK की इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन इसने भी SAS के लिए पास्ट में सर्व किया है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि न्यू करेक्टर को डेवलपर्स कैसे कनेक्ट करने वाले हैं ऑडियंस से। इसमें भी हमें मिशन के थ्रू गाइड करने के लिए आन्या जैसी ही कोई मिशन डायरेक्टर है, या फिर क्या पता वो यंग आन्या ही हो। वेल, हमारे पास ऐसा कोई क्लियर कट इन्फो नहीं है। ट्रेलर और ऑफिशियल इन्फो की बात करें तो फ्रेंचाइज की लेगेसी को मेंटेन करते हुए तो इस गेम में भी स्टेल्थ हमारा प्राइमरी फोकस होने वाला है, जिसमें एक्शन कुछ कुछ मिशंस में ऑप्शनल होगा। इसमें वैरायटी ऑफ गैजेट्स और वेपन्स भी यूज कर सकेंगे, जैसे नाइट विजन गॉगल्स, SMGs, स्नाइपर्स, असॉल्ट राइफल्स, सप्रेस्ड पिस्तौल्स एंड ऐसी बहुत कुछ। हर मिशन में रेकॉन एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है, जिसमें हमें एरिया को अच्छे से स्काउट करना होगा, या तो किसी ऊंची टावर पर क्लाइंब करके या पास के माउंटेन से। इसी वजह से गेम में हमें काफी चॉइसेस मिलती हैं, जिसमें हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मिशन अप्रोच को प्लान या फिर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लोकेशंस तो ज्यादातर सोवियत यूनियन और वर्ल्ड के अक्रॉस काफी सारे लोकेशंस में ही सेट होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ स्पाई हमारा ज्यादा समय एनिमी की टेरिटरी में गुजरेगा। गेम प्ले ट्रेलर देख के इसमें लगता है कि बड़े बड़े मिलिट्री बेसेस, एयरफील्ड्स और यहाँ तक कि मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स भी होने वाली है। अगर आपको याद हो तो IGI 2 के लास्ट मिशन में भी हम एक लॉन्च पैड पर जाते हैं, जहां से रॉकेट को डिस्टर्ब कर देते हैं और उसके कंट्रोल्स मैनिपुलेट करके लॉन्च कर देते हैं। IGI ओरिजिन्स में भी एक सिमिलर मिशन या फिर इससे बेटर कुछ देखने को मिल सकता है। ग्राफिक्स से तो मेरी पर्सनली कोई खास शिकायत नहीं है, ये फिलहाल अनरियल इंजन 5 पर डेवलप किया जा रहा है, तो इसके विजुअल्स, टेक्सचर्स और मॉडल क्वालिटीज इसे एक काफी अच्छा मॉडर्न गेम जैसा दिखाती है। लाइटिंग और शेडोज भी काफी अच्छी हैं। एनिमेशंस की बात करें तो गेम में मोशन सेंसिंग का यूज किया गया है, जिसके कारण मॉडल की मूवमेंट्स जेन्युइन और रियलिस्टिक लगती हैं। हाँ, ये नियर फिनिश्ड स्टेट है गेम की, सो थोड़ा बहुत कमियां भी हो सकती हैं, जो आई होप डेवलपर्स फिक्स कर देंगे। डेवलपर्स काफी समय से कह रहे हैं कि गेम की डेवलपमेंट सही पेस पर चल रही है, बट फिर भी इसे डिले फेस करने पड़ रहे हैं। इससे पहले 2021 में गेम की रिलीज प्लान की गई थी, फिर 2022 तक इसे डिले किया गया, बट लेटेस्ट ट्रेलर में कोई डेट रिवील नहीं की गई है, सो अब लग रहा है कि गेम शायद इस साल नहीं आ पाएगा। रीजन ये हो सकता है कि इस साल मई में डेवलपर्स ने अनाउंस किया था कि गेम की डेवलपमेंट अनरियल इंजन 5 में शिफ्ट हो गई है, ताकि वो इस गेम को और बेटर फाइन ट्यून कर सके। काफी सारे डेवलपमेंट स्टूडियोज आजकल अनरियल 4 वाले अंडर डेवलपमेंट गेम्स को अनरियल 5 पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का सपोर्ट है। सो इसलिए हम लेटेस्ट गेम प्ले ट्रेलर में देख सकते हैं कि इसके ग्राफिक्स पहले के रिवील ट्रेलर और स्नीक पीक्स के कंपैरिजन में काफी बेटर है। फाइनली आते हैं डेवलपर्स पर। एंटी मैटर गेम्स और टोडमैन इंटरैक्टिव IGI ओरिजिन्स की डेवलपमेंट संभाल रहे हैं। एंटी मैटर गेम्स साउथ वेस्ट UK में बेस्ड सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, और ये जानी जाती है राइजिंग स्टॉर्म 2 वियतनाम के लिए, जो वियतनाम वॉर के टाइम पर बेस्ड एक मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। इस गेम ने ओरिजिनल राइजिंग स्टॉर्म 1 को डेवलप नहीं किया था, बट फिर भी सीक्वल पर इन्होंने काफी पैशनेटली काम किया, जिसके कारण गेमर्स और क्रिटिक्स को काफी पसंद आया। इस गेम के प्लेयर बेस हमारे FPS क्लास के टॉप टियर गेम्स जैसे बैटलफील्ड, कॉल ऑफ ड्यूटी या CS:GO जितनी बड़ी तो नहीं
नहीं है बट फिर भी इतनी है कि आप मैच मेकिंग कंफर्टेबली कर पाओगे और इसमें बग्स ग्लिचेस और ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं है जिससे काफी अच्छा बन जाता है। IGA फ्रेंचाइज के ओरिजिनल डेवलपर इनलूप स्टूडियोज थे बट 2003 में IGA 2 को बनाने के बाद ये बंद हो गए। सो IGA 3 को एंटीमैटर और उसकी पेरेंट कंपनी टोडमैन इंटरएक्टिव संभाल रही है जिसके बहुत से एम्प्लॉयज बैटलफील्ड मैक्स पेन और जस्ट कॉज जैसे गेम्स पर काम कर चुके हैं। तो इनके एक्सपीरियंस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IGA फ्रेंचाइज की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर भी उतनी पैशनेटली काम करेंगे स्पेशली तब जब इस फ्रेंचाइज के पास पहले ही एक बड़ा फैन बेस अवेलेबल है। तो कम्युनिटी तो ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट के बाद काफी खुश है। सब चाहते हैं कि अपने बचपन के मोस्ट लव्ड गेम को न्यू स्टोरी और विजुअल्स के साथ एंजॉय करें बट डिलेस को देखकर काफी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है। इससे गेम की हाइप पर भी असर पड़ रहा है बट ओवरऑल अभी भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं इस गेम को ट्राई करने के लिए। तो चलो गेम में डिलेस तो आ रही है जो फ्रस्ट्रेटिंग है बट हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि रश में किए गए रिलीजेस का क्या रिजल्ट निकलता है। बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छे अच्छे हाईली एंटिसिपेटेड गेम्स को कितना नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी थी जब डिलेस के कारण वो फैंस की गालियां सुनते सुनते गए और अपने गेम को अनफिनिश्ड स्टेट में लॉन्च कर दिया जिसके बाद और गालियां सुननी पड़ी एंड रेपुटेशन भी लॉस करनी पड़ी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि IGA ओरिजिन्स के साथ ऐसा ना हो क्योंकि इससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। सो अब तक 19 साल का वेट कर लिया है तो थोड़ा और सही। वैसे आप क्या क्या चीजें देखना चाहते हो IGA ओरिजिन्स में मेरे को बताना जरूर कमेंट्स में। और ये कहते हुए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि गेम्स गॉसिप इंडिया पर मिलता रहे आपको ऐसे ही गेमिंग कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।